आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में समझेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसी ऑर्डर साइज होती है जिसमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम होती है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में दो कॉस्ट आती है एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट तो गुड्स को मंगाने की कॉस्ट होती है और दूसरी होती है कैरिंग कॉस्ट जो गुड्स को वेयर हाउस में रखने की कॉस्ट होती है कैलकुलेट करते हैं अपन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फार्मूले से अंडर रूट टू अपॉन सी ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन पूरे साल भर में कितने यूनिट्स के रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 6,400 यूनिट्स के रिक्वायरमेंट है एक बार यदि अपन ऑर्डर देते हैं तो कॉस्ट पर ऑर्डर हंड्रेड रुपीज लगती है तो ओ हो गया हंड्रेड रुपीज और कैरिंग कॉस्ट यदि अपन को परसेंटेज में गिवन है तो अपन फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट पर यूनिट पे कॉस्ट पर यूनिट ट्वेंटी रुपीज है और टेन परसेंट कैरिंग कॉस्ट है तो यहाँ पे टू रुपीज कैरिंग कॉस्ट आ गई और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई एट हंड्रेड यूनिट ऐसी ऑर्डर साइज जिसमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम होगी